सब्सक्राइब कीजिए बिंग टेक की हिंदी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप टेक्निकल गुरुजी के जैसा अपना वीडियो कैसे बना सकते हैं, आप अपने किसी भी वीडियो को टेक्निकल गुरुजी के जैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं बिंग टेक की हिंदी, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों उसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाता हूँ। पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में जाने के बाद दोस्तों आपको प्लस के साइन पे जाना है, वहाँ पे आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद दोस्तों आपको जो इमेज दिखाई दे रहा है वो इमेज आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, आप जाके उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो फ्रेम है आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो मैं इसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जो रेड कलर का और स्काई ब्लू कलर का आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है वहाँ पे अपना नाम और चैनल का नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ। टेक्स्ट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ। दोस्तों चैनल का नाम लिखने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है ओके पे, और जो स्काई ब्लू कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें जाके आपको करना है चैनल का नाम को एडजस्ट। तो मैं जाके अपने चैनल का नाम को एडजस्ट वहाँ पर कर लेता हूँ। दोस्तों आप चाहें तो किसी तरह का फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, किसी तरह का कलर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना जो मेरा फ़ॉन्ट पसंद है मैं उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप चाहें तो किसी और तरह का भी फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा फ़ॉन्ट हो चुका है सिलेक्ट, और मैं इसे वाइट ही कलर में रहने देता हूँ। इसे ओके पे क्लिक कर लेता है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो रेड कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है उसमें आपका अपना नाम लिख लेना है। तो मैं टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ। इसे भी दोस्तों जैसे आपने उसे पहले वाले को एडजस्ट किया था इसे भी आप वहीं पे जाके रेड वाले बॉक्स में अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। चाहे तो आप कोई भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं, कोई भी कलर ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो नाम है मैं अच्छे से इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट, ये देखिए दोस्तों मेरा जो नाम है यहाँ पर एडजस्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको ओके पे टाइप कर लेना है। अब दोस्तों सिंपली आपको जाना है एक्सपोर्ट में और इसे एक्सपोर्ट टू गैलरी कर लेना है। यहाँ मैं इसे एक्सपोर्ट टू गैलरी कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको सिंपली अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो मैं अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये काइन मास्टर मेरा एप्लीकेशन जो है ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपको प्लस के साइन पे टैप करना है। प्लस के साइन पे टैप कर लीजिए, और प्लस के साइन पे टैप करने के बाद आपको एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेना है। तो मैं एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। उसके बाद आपको जाना है मीडिया ब्राउजर में। मीडिया ब्राउजर में जाने के बाद दोस्तों आपको एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। आप किसी तरह का बैकग्राउंड ले सकते हैं, चाहे वो लाल हो, पीला हो, हरा हो। तो मैं यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड ले लेता हूँ। एक बैकग्राउंड चूज़ करने के बाद दोस्तों आपको जितना आपका वीडियो का साइज़ है उसके हिसाब से आप अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर अपने बैकग्राउंड को एडजस्ट कर लिया। यहाँ पर जाना है आपको लेयर में और फिर से क्लिक करना है मीडिया पर। तो दोस्तों आपने जो इमेज उससे मैं एक्सपोर्ट किया था पिक्सआर्ट एप्लीकेशन से उसको यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो एक्सपोर्ट किया था उसे यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों इसे सिलेक्ट करने के बाद आप इसे स्क्रीन पे फ्रेम पे जैसा फ्रेम है उसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, जैसा मैं कर रहा हूँ। इसे एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपने जो इमेज लेयर चूज़ किया था उसे आप बैकग्राउंड के हिसाब से थोड़ा बड़ा कर लीजिए, जैसा मैंने अभी किया। दोस्तों ये करने के बाद आपको सिंपली ओके पे टाइप करना है। उसके बाद आपको जाना है फिर से लेयर में। तो मैं लेयर में जाने के बाद आपको फिर से मीडिया में जाना है। मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपने जो वीडियो बनाया है उसे यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जो वीडियो आपको इस फ्रेम में इंपोर्ट करना है। तो मैंने इस वीडियो को यहाँ से इंपोर्ट कर लिया, और ये देखिए मैं इसके थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अपने हिसाब से इस फ्रेम में एडजस्ट कर लीजिए, जैसा मैं कर रहा हूँ। ये देखिए मेरा जो वीडियो है वो हो चुका है अच्छे से एडजस्ट। थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको क्लिक करना है ओके पे। अब देखिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो प्ले हो रहा है इसके बाद आपको करना है शेयर पे क्लिक, और शेयर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो मैं इसे एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों जब तक ये वीडियो एक्सपोर्ट हो रहा है तब तक ये वीडियो को मैं स्किप कर देता हूँ। वीडियो को एक्सपोर्ट होने के बाद दोस्तों आपको फिर से जाना है अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन में। तो मैं यहाँ पर अपने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ।
एप्लीकेशन ओपन होने के बाद दोस्तों आपको फिर से प्लस के साइन पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एम्प्टी प्रोजेक्ट ले लेना है। दोस्तों एम्प्टी प्रोजेक्ट लेने के बाद आपको फिर से मीडिया ब्राउज़र में जाना है, वहाँ पे आपको एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेना है। तो मैं यहाँ पे वाइट कलर का बैकग्राउंड ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। चूज़ करने के बाद आप अपने वीडियो के हिसाब से आप इसे बड़ा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए और इसे करने के बाद ओके पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जाना है दोस्तों आपको लेयर में। लेयर में जाने के बाद आपको फिर से जाना है मीडिया में। तो मीडिया में जाने के बाद दोस्तों आपने जो उस समय वीडियो को एक्सपोर्ट किया था काइन मास्टर से, उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने जो वीडियो यहाँ से एक्सपोर्ट किया था उसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको इस फ्रेम में अच्छे से उसे फिट कर देना है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों फिट होने के बाद आपको जाना है वीडियो लेयर में, और वीडियो लेयर में जाने के बाद आपको क्लिक करना है ये जो चाबी का निशान है उस पर, और थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाना है। और दोस्तों ये जो प्लस का साइन है आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद वीडियो को पॉज करके इसे थोड़ा सा साइड कर लीजिए। उसके बाद आप इसे थोड़ा सीधा कर लीजिए, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। इसे आप थोड़ा यहाँ से सीधा कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों आप इसे बड़ा कर लीजिए, और बड़ा करके अपने वीडियो फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाना है, उसके बाद प्लस के साइन पर क्लिक करना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। और दोस्तों आपको फिर से आगे बढ़ाना है, उसके बाद छोटा करना है। छोटा करने के बाद दोस्तों आप इसे जैसे पहले था वैसे कर दीजिए, और इसे अपने फ्रेम में अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए, जैसा कि आपके वीडियो में पहले से था। तो ऐसा करने के बाद दोस्तों आपको फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, और यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक करना है। फिर आगे बढ़ा के प्लस के साइन पर क्लिक करके ओके कर देना। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा जो वीडियो है, जो टेक्निकल गुरुजी का वीडियो रहता है स्टार्टिंग में, वैसा ही मेरा वीडियो बन चुका है। तो आप इसी तरह से अपने वीडियो को टेक्निकल गुरुजी के जैसा वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए नए नए टिप्स ट्रिक्स और टेक्निकल न्यूज़ लेके आता रहता हूँ। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।